हरियाणा पुलिस SI मेल और फीमेल रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है। इसी के साथ PMT स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल का रिजल्ट भी आने वाला है। तो भाई लोग परेशान हैं कि 20 नंबर कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे और हम 20 में से कितने नंबर ले सकते हैं। ग्रुप डी में बहुत सारे लोगों की नौकरी लग चुकी है, तो क्या अब वो फिर से 5 नंबर ले सकते हैं? तब जो कंडीशन है कि घर में सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि फॉर्म उन्होंने पहले भरा था। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रुप डी में आपकी नौकरी लग चुकी है, तो आप हरियाणा पुलिस में 5 नंबर फिर से क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके खिलाफ़ एक फ्रॉड एक्शन या कि केस फाइल हो सकता है। उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं जो मैंने यूनिवर्सिटी में बात किया। तो अब हम बात करते हैं 20 नंबर की। तो ये हरियाणा पुलिस का रिक्रूटमेंट है, पोस्ट के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आप अप्लाई करके सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आते हैं 20 नंबर का जो खेल है, ये है जी 20 नंबर का खेल। यहाँ पर है नॉलेज टेस्ट, जो कि आपका 80 नंबर का हुआ था। SI में 100 सवाल थे और 80 नंबर का पेपर था। उस 80 नंबर के टेस्ट में जो कैंडिडेट SI में सेलेक्ट हुए हैं, वो टोटल पोस्ट के 7 गुना हैं। और उनका अब फिजिकल होगा, जिसमें कि मेल में 2.5 किलोमीटर है, वो आपको 12 मिनट्स में क्वालिफाई करना है। फीमेल में 1 किलोमीटर 6 मिनट्स में, और एक्स सर्विसमैन का 1 किलोमीटर 5 मिनट्स में। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, और उसके बाद जो आपके वेटेज के 20 नंबर हैं, 10 नंबर एडिशनल क्वालिफिकेशन के और 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। जो भी भाई लोग SI के रिटर्न को क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उनका होगा PMT। PMT में जो क्लियर हो जाएंगे उनका होगा मेजरमेंट, और जो मेजरमेंट में क्लियर हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट, उनको मिलेंगे ये 10 10 नंबर के, जो कुल मिला के 20 नंबर है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 20 नंबर में आप कितने क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टेबल की। कॉन्स्टेबल में आपको 7 नंबर मिलेंगे एजुकेशन के। तो एजुकेशन से हमारा तात्पर्य है कि अगर किसी ने हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन की है तो उसको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट की है तो उसको मिलेंगे 3 नंबर। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट को नुकसान होने वाला है जिन्होंने 18 साल या 20 साल की उम्र में फॉर्म भर दिया और उन्होंने सिर्फ 12th की थी, या फिर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपके 7 नंबर माइनस हो जाते हैं। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर में भी एजुकेशन के 7 नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 7 नंबर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पर नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन के नहीं मिलेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन की है लॉ में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, फॉरेंसिक मेडिसिन में, फॉरेंसिक साइंस में, पुलिस साइंस में या क्रिमिनोलॉजी में, तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। और आपको एडिशनल 3 नंबर मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएट के। अगर आपने सिंपल BA किया है और फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद जो 3 नंबर हैं वो है NCC सर्टिफिकेट के। अगर आपके पास A है तो 1 नंबर, B है तो 2 नंबर, C है तो 3 नंबर। आप एजुकेशन और NCC में से कितने नंबर क्लेम करने वाले हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद आते हैं मिसलेनियस यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 नंबर। तो 5 नंबर तो वही है जो घर में सरकारी नौकरी नहीं है। तो जो लोग अभी सिलेक्ट हो चुके हैं ग्रुप डी में या किसी और नौकरी में, तो वो 5 नंबर नहीं क्लेम कर सकते। वो आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो समझ पाएंगे क्यों नहीं क्लेम कर सकते, या फिर अगर आप क्लेम कर लेते हैं तो आपके खिलाफ़ क्या एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद 5 नंबर हैं विडो के, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आप विमुक्त जाति से संबंध रखते हैं। इस तरह से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मैक्सिमम 8 नंबर क्लेम कर सकते हैं, अगर आपके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है, और हर एक साल के लिए आपको मिलेगा आधा नंबर। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जो हरियाणा पुलिस में 20 नंबर हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, कब मिलेंगे और आप कितने नंबर ले सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान पाएँ इन 20 नंबर के खेल के बारे में। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूँ आपकी घंटी बज जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।